शिक्षार्थी आज हमें आलोचना करब प्रथम पर्व फिजिक्स विषय सार्विस सिविल डिपार्टमेंट कम्पिटर डिपार्टमेंटर सप्तम अध्याय काज शक्ति काज क्षमता और शक्ति हमारे आज के आलोच्य विषय शक्ति नित्यता सूत्र और प्रमाण शक्ति नित्यता सूत्र शक्ति सृष्टि व ध्वंस नहीं केवल एक रूप होते एकाधिक रूपे परिवर्तन होते पारे रूपान्तर आगे और पर मोट शक्तर परिमाण अपरिवर्तित थे अर्थात शक्तर नित्यता सूत्र मूल विषय वस्तु हल शक्ति के सृष्टि व ध्वंस करा जाए ना शक्ति केवलम्र एक रूप थे अन्यूप रूपान्तरित होते प्राथमिक रूप थे परवर्ती रूपे रूपान्तरित हम प्राथमिक अवस्था जो शक्ति मोट जो शक्तर परिमाण थक परवर्ती से शक्तर परिमाण समान थक अपरिवर्तित थको एखे हमें चित्र लक्ष्य करी शिक्षार्थी चित्र लक्ष्य करी एम भर एक वस्तु एम भर विशिष्ट एक वस्तु के भूपृष्ठ होते उच्चत भूपृष्ठ होते उच्चत ए बिंदुते उठानो हल शिक्षार्थी लक्ष्य करी एम भर विशिष्ट एक वस्तु के भूपृष्ठ ये भूपृष्ठ थे उच्चत ए बिंदुते उठानो हल ए बिंदुते वस्तुटी स्थिर अवस्थान रही है एर समस्त शक्ति स्थिति शक्ति शिक्षार्थी लक्ष्य करी भूपृष्ठ थेके उच्चताय एम भर विशिष्ट एक वस्तु आछे वस्तुटा स्थिर आछे जेहेतु वस्तुटा स्थिर आछे काजी एर स्थिति शक्ति हबे भर इंटू अभिकर्ष त्वरण इंटू उच्चता अर्थात एम जी एस जेहेतु वस्तुटा स्थिर आछे কোনো বস্তু যদি স্থির থাকে তখন তার গতিশক্তি হয় শূন্য যেহেতু এম ভর বিশিষ্ট বস্তুটা স্থির অবস্থানে আছে কাজেই তার গতিশক্তি জিরো স্থিতি শক্তি ভর ইনটু অভিকর্ষ ত্বরণ ইনটু উচ্চতা অর্থাৎ এম জি এইচ মোট শক্তি অর্থাৎ আমরা যদি কোনো বস্তুর মোট শক্তিটা নির্ণয় করতে যাই তাহলে আমরা লিখতে পারি মোট স্থিতি শক্তি প্লাস মোট গতিশক্তি তাহলে স্থিতি শক্তি এম জি এইচ গতিশক্তি জিরো অর্থাৎ মোট শক্তি হলো এম জি এইচ এখন সেক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি এই যে এম ভর বিশিষ্ট বস্তুটি ভূপৃষ্ঠ থেকে এম এ উচ্চতায় এই উচ্চতায় এই বিন্দুতে আসে এই বস্তুটা যদি বস্তুটি একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে যে কোনো একটা মুহূর্তে যে কোনো একটা সময় এই অবস্থান থেকে এক্স দূরত্ব অতিক্রম করে ए बिंदुते वस्तु बस्तुटी पोछल उक्त बिंदुते बिंदुटी वस्तुटी बेग हल बी अर्थात वस्तुटा ये अवस्थान छो से निर्दिष्ट एक समय व्यवधान से एक दूरत अतिक्रम कर एक दूरत अतिक्रम कर से बी बिंदुते इसे पोछल एवं उक्त बिंदुते वस्तुटर बेग हल भि गति सूत्र के जानी वि स्कोर इज इक्वल टू यू स्कोर प्लस टू जि एक्स एखे यू आदि बेग जि अभिकर्ष त्वरण एक्स दूरत्व एखन वस्तुटा जेहेतु स्थिर अवस्थान छिलो वस्तुटा स्थिर अवस्थान थाकार कारणे स्वाभाविकभावे आदि बेग शून्य अर्थात यू इज इक्वल टू जिरो बिंदुते गतिशक्ति आमरा जानी गतिशक्ति इज इक्वल टू हाफ एम वि स्कोर गतिशक्ति हाफ एम वि स्कोर एखे हमें एम तो वस्तुटी भर और भि एर मान पेलम यू स्कोर प्लस टू जि एक्स जेहेतु यू आदि बेग एर मान शून्य क्या एखे यूटा बद दीते परिवर्ते शून्य लिखते परि तेल लिखते परि वि स्कोर इज इक्वल टू टू जि एक्स अर्थात आप जो विबिंदुते वस्तुटर स्थिति शक्ति निर्णय करी से एम जि माइनस एस इंटू एस अर्थात मोट टोटाल दूरत छो एस किंतु एखे अतिक्रम कर एक्स दूरत एखे एसर पर लिखते परि एस माइनस एक्स अर्थात विबिंदुटे वस्तुटर स्थिति शक्ति एम जि एस माइनस एक्स एम जि एस एम जि माइनस एक्स एखन एखान जो एखान जी एम कमन लेते थे कि एम जि एच अर्थात एखान देखा जाए कि
যে বস্তুটার এম বর বিশিষ্ট বস্তুটা ভূপৃষ্ঠ থেকে এই সুস্থতায় উঠানোর পরে যে স্থিতি শক্তি পাওয়া গেছে এবং এ বিন্দু থেকে বি বিন্দুতে তার একই পরিমাণে স্থিতি শক্তি পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এখানে দেখা যায় যে শক্তির এখানে কোনো রকমের সৃষ্টি বা ধ্বংস হয়নি, কেবলমাত্র এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়েছে, কিন্তু মোট স্থিতি শক্তি সেটা সমান। ধন্যবাদ শিক্ষার্থীরা, আগামী ক্লাসে আমরা শক্তির নিত্য সূত্রের ব্যাখ্যা আলোচনা করবো।